ओके मैम. ओके सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ली चैटरलियर प्रिंसिपल. ठीक है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल. अब ली चैटरलियर प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? इट टेल्स अस इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ इन सच अ वे सो एज टू अनडू और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज. ठीक है, ये डेफिनेशन है, इट इज ऑल गिवन इन द बुक. इसका मतलब समझो, मान लो कोई सिस्टम बेटे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया. दिस इज अ सिस्टम. अब आप अगर इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद इफ यू विल डू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक, या टेम्परेचर में चेंज लेके आते हो या प्रेशर में चेंज लेके आते हो, किसी भी चीज में चेंज लेके आते हो आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो आपका सिस्टम उस तरफ जाएगा कि आपने जो चेंज लेके आए हो वो उसका इफेक्ट को अंडू कर सके या उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके. ठीक है, इफेक्ट को अंडू कर सके या इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके. अब इसको समझो, जैसे कि ये सिस्टम है बेटे, आपको इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक इक्विलिब्रियम सिस्टम गिवन है, फिर उसके बीच में आपको बोला जाएगा कि हमने ये चेंज करी है, तो अब आप इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट को अंडू करेगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, यू विल गिव दिस काइंड ऑफ आंसर्स. ठीक है, अरे सो दिस इज द सिस्टम, अंडरस्टैंड. ठीक है, मान लो अब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद पहले तो देखो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसी सिस्टम से समझते हो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम. मानवीय दिस इज क्लास 11th, ज्वाइन इन सेकेंड पीरियड. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया. अब उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी. मैंने क्या किया, रिएक्शन मीडियम में और रिएक्टेंट ऐड कर दिए बाहर से. जैसे आप हेबर्स प्रोसेस करते हो बेटे, हेबर्स प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. ठीक है, आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इसमें आपने रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिए. अब आपकी रिएक्शन किस तरफ जाएगी, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि इस इफेक्ट को, जितने रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इस इफेक्ट को अंडू कर सके. वैसे अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, अब आपकी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन. फॉर द पॉइंट, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड. एंड इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड. ओके, सो कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड, and the increase in the concentration of any one of the product will shift towards the backward. For the point, show your thumbs up and all, you can't be unmuted. ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है बेटे एक्सोथर्मिक, इसमें निकलती है हीट, इसमें निकलती है बेटे हीट. हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच से शो करते हैं, और इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 92.5 किलो जाउल्स पर मोल. ये आपको याद करने की नहीं जरूरत है, कोई आपको वैल्यूज अभी याद नहीं करनी है. ये समझो कि अब
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर इस रिएक्शन को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है जिसमें से पहले ही हीट निकल रही है, क्या उसको हीट देने की जरूरत है? यस एनीवन, जो रिएक्शन पहले ही एक्सोथर्मिक है बेटे, क्या उसको हीट करने की जरूरत है जिसमें से पहले ही हीट निकल रही है? नो, ठीक है, तो हीट देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसी रिएक्शन को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना हो तो हम किस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे? हम लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर लो करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप इस रिएक्शन को हीट करना शुरू कर दोगे, जो रिएक्शन पहले ही एक्सोथर्मिक है उस रिएक्शन को अगर आप हीट करना शुरू कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जिसमें पहले ही हीट निकल रही है अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन जल जाएगी। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है हम चाहते हैं हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। और अगर हम टेम्परेचर हाई कर देंगे, इफ हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। कोई भी रिएक्शन एग्जाम में गिवन होगी, दिस इज एन एग्जाम्पल, आपने ये साइन देखना है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है तो आप रिएक्शन मिक्सचर की क्या कंडीशन रखोगे? हम जी लो टेम्परेचर रखेंगे। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपसे पूछा जाए अगर बैकवर्ड रिएक्शन लेके जानी है तो आप क्या कंडीशन रखोगे, तो हम क्या रखेंगे बेटे जी? हाई टेम्परेचर। गॉट इट? ओके, यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटे, जैसे कि ये रिएक्शन है, N2+O2 2N। अब ये जो रिएक्शन है बेटे, ये होती है एंडोथर्मिक। अगर वो एक्सोथर्मिक है नीचे वाली, तो ये क्या है बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कुछ इतनी आई थिंक इसकी डेल्टा एच है, ठीक है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझो। अब रिएक्शन है एंडोथर्मिक, घर पे हम खाना भी बनाते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी चपाती कुक हो जाए तो हमें हीटिंग देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको हीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने रिएक्शन किस तरह लेके जाना है? फॉरवर्ड, तो आपको ऐसी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करनी पड़ती है। ओके, और अगर आप चाहते हो कि ये बैकवर्ड जाए तो आप लो टेम्परेचर पे करोगे। ठीक, जिस चीज को हीट चाहिए फॉरवर्ड जाने के लिए, क्योंकि वो एंडो है, आपको हीट देनी पड़ेगी। जैसे आपने कितनी थर्मल डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन पढ़ी 10th में, तो इन सब में आपको हीट देनी पड़ी थी, तभी ये फॉरवर्ड की तरफ जाएंगी, तभी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अगर ऐसी रिएक्शन को फॉरवर्ड एक्शन में लेके जाना होगा तो टेम्परेचर कंडीशन हमें हाई टेम्परेचर रखनी पड़ेगी। अगर हाई टेम्परेचर नहीं रखोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने एग्जाम में ये देखना है डेल्टा एच, यहाँ पे अगर पॉजिटिव में होगा तो एंडोथर्मिक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव में होगा तो एक्सोथर्मिक। इस कंडीशन को देख के अगर एग्जाम में आए कि लो टेम्परेचर है, मान लो ये पॉजिटिव में गिवन है,
लो टेम्परेचर है तो आप बोलोगे अब ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉर द पॉइंट, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर। Effect of change in pressure. Again, I am taking this reaction. अब ये रिएक्शन में आप ध्यान से देखो बेटे, रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल, देयर आर फोर। One of nitrogen, three of hydrogen means number of moles is four. Here the number of moles are two. ठीक है, two. Number of moles किस टाइप, किस तरफ कम है? On the side of the product. On the side of the reactant, number of moles are greater number. अब ये ध्यान से देखो बेटे, एक वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रही है, इस काइंड ऑफ रिएक्शन को अगर मैंने ये रिएक्शन कर लिया ना तो मैं प्रेशर हाई रखूंगी, अगर मैं चाहती हूं कि मेरी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। देखो इमेजिन करो आज तो स्कूल आए नहीं आप, इमेजिन करो आप स्कूल में हो एंड यू आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, जितनी आपको, अगर क्लास बहुत ज्यादा खुली मिल जाए तो उसमें ज्यादा बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, जितनी क्लास छोटी होगी उसमें कम बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, isn't it? Tell me. Yes or no? If the room, yes, room is small, ठीक है, if the room is small, then the student can accommodate less. If the room is big, the student can accommodate more. ठीक है, है ना? अगर जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रूम की या वेसल का स्पेस कम हो गया। अब वेसल का जब स्पेस कम हो गया तो आपकी रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इस केस में रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि रूम की अगर स्पेस कम है तो स्टूडेंट्स भी कम है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में अगर आपने जो बीकर जो सिस्टम प्रोवाइड किया है उसकी स्पेस कम है उसमें कम नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे, तो वी आर सीइंग दैट कि प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ मोल्स टू है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। ठीक है, अगर आप बेटे प्रेशर डिक्रीज कर देते हो, आप ये पिस्टन को ऊपर ले जाते हो, पिस्टन को लेके ऊपर ये स्पेस क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब रूम क्या हो गया, बड़ा। जब ये रूम बड़ा हो गया अब यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, अब बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर द पॉइंट, मीन्स जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस तरफ जाती है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होते हैं, your space will be now less, when you will decrease the pressure the reaction will go towards that direction where number of moles are more. Clear? Okay, this particular case mein if we want that our reaction should go towards forward direction, you will increase the pressure. If you want that your reaction go towards the backward direction, you will decrease the pressure. अब depending है आपको reaction कौन से exam में आती है उसके हिसाब से, अगर product की side number of moles ज्यादा हो जाएंगे तो आप ऐसी reaction को क्या कैसे करोगे, अगर forward में लेके जाना है, you will do this reaction at low temperature. ठीक है, if reactant के side number of moles कम हो गए and reaction will go towards backward direction, you will increase the pressure. Okay,
सो टू इंक्लूड वेन यू विल इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन कहाँ जाती है, रिएक्शन कहाँ जाती है, प्रेशर इंक्रीज किया पिस्टन को नीचे लेके गई, स्पेस कम हो गई, तो रिएक्शन कहाँ होगी जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है। अब ये रिएक्शन देखिए पता चलेगी कौन सी आएगी, अगर आप डिक्रीज करते हो प्रेशर तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रेशर डिक्रीज किया पिस्टन को आप लेके गए, स्पेस बढ़ गई, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहां पे मोर नंबर ऑफ मोल्स। गॉट द पॉइंट, यस। नाउ नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देयर इज नो सच इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वी हैव ऑलरेडी डन, कैटलिस्ट कोई भी ऑल्टर नहीं करता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, इसके दो इफेक्ट करते हैं हम, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बेटे ये सब इक्विलिब्रियम पे स्टडी कर रहे हैं, तो यू कैन ऐड इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ना कॉन्स्टेंट प्रेशर, अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अब ये समझो एक रिएक्शन है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, लेट मी मेक अ बीकर फॉर यू फर्स्ट, रिएक्शन है बेटे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रही है। अब आपने इसके बीच में क्या लगा दी, इनर्ट गैस डाल दी, मान लो ये ए प्लस ए और प्लस बी को आप रिएक्ट कर दो, ए के इस एरिया में 3 मोल्स आ सकते हैं और बी के भी 3 मोल्स आ सकते हैं। अब इसमें आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, अब इसमें मैंने क्या डाल दी बेटे, इनर्ट गैस, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट नहीं है, मीन्स ये जो वेसल है अपनी ये इंक्रीज कर सकती है लेंथ एंड ब्रेथ एवरीथिंग, इज नो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इतने एरिया में तो बेटे 3 मोल्स ऑफ ए आ सकते थे, 3 मोल्स ऑफ बी आ सकते थे, अब इसमें आपने डाल दी इनर्ट गैस, अब ये इतने एरिया में इनकी जगह पे इनर्ट गैस आई सी वो भी ऑक्यूपाई करने लगी, अब इतने एरिया में 3 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी नहीं आए, अब ये रह गए 2, क्योंकि इनर्ट गैस ने भी यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर दी और बाकी मोल्स को दूर दूर जाना पड़ा। इतनी बात समझ आई, पहले आपने कांस्टेंट प्रेशर रखा है बेटे, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर रिएक्टेंट के पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, पहले इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 6, अब इसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 4, इतनी बात समझ आई बेटे, पहले मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो गए, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिया है, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया उतना ही है, मगर वेसल्स अपना प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, वॉल्यूम, वेसल को बलून मानो, यू हैव टेकन अ बलून, यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ बलून, ठीक है। अब उतने बलून में पहले 3 6 मोल्स थे, 3 + 3 6 मोल्स थे, अब आपने बीच में उनमें स्पार्क्स हैं वो क्या डालते हो, आप जो भी कैंडीज एंड ऑल डाल दी बलून में,
अब जितने एरिया में पहले एयर आ रही थी उस एयर को उसने डिस्प्लेस कर दिया और उतने एरिया में आपकी कैंडीज आ गई। वॉल्यूम तो इंक्रीज कर ही है, स्पेस तो इंक्रीज हो सकती है, पर यूनिट वॉल्यूम, अब नंबर ऑफ मोल्स जो बेसिक चीज है उसके डिक्रीज हो गए। ये नहीं कि इनर्ट गैस के डिक्रीज हुए, इनर्ट गैस ने आके रिएक्ट नहीं किया, पर उस एरिया में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बेटे, डिक्रीज हो गए। अच्छा अब आप बताओ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए हैं तो रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए कि ये इफेक्ट को अंडू करे, टेल मी, हरी अप। फॉरवर्ड डायरेक्शन और डिपेंडिंग जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोर और लेस। लेस नो बेटे, इनर्ट गैस ने पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर दिए, तो रिएक्शन अपने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगी ना, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये वाली रिएक्शन है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, यू आर गेटिंग 2 मोल्स फ्रॉम 1 मोल ऑन द प्रोडक्ट साइड, देर आर टोटल 2 मोल्स, वन ऑफ दिस देर आर 2 मोल्स, हियर इट इज यस वन मैम, मोल, यू हैव यस एडेड मैम, इन आवर गैस। नाउ पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि वो स्पेस इनर्ट गैस ने ले ली, इनर्ट गैस ने आके रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ स्पेस ली है, तो रिएक्शन अपने आप को उस तरफ लेके जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। व्हाट द पॉइंट, यस मैम, ठीक यस है। इनर्ट गैस अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हो, कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका रिएक्शन किस तरफ जाती है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हो तो कोई इफेक्ट नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर ये पर्टिकुलर वॉल्यूम, अब देखो अगर मान लो यही, अगर मैं इस चैम्बर को इंक्रीज नहीं कर रही, ये चैम्बर ऐसे ही रह रहा है, तो मींस इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इनर्ट गैस इंक्रीज करने से जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले है उतने नंबर ऑफ मोल्स अब है, क्या नंबर ऑफ मोल्स में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, टेल मी यस और नो, यस और नो नो, नो मैम, ठीक है। एक रूम है, रूम का वॉल्यूम उतना ही है, जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हो, क्लास का वॉल्यूम उतना ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और बच्चे ऐड होते जाएंगे, बीच बीच में बैठ जाएंगे, इनर्ट गैस नीचे आके बैठ जाएगी, फ्लोर पे बेंचेस उतने ही लगेंगे, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी, हम +1 ए वाले हैं, आपने एक्स्ट्रा लेके आने, आप नीचे बिठा दो, क्या आपके स्टूडेंट का नंबर लेस हुआ उस पर्टिकुलर रूम में, यस और नो? नो नो, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कम नहीं हुए हैं, यू आर, अगर इतने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में तो उतने ही रहे हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो आप नीचे बिठा सकते हो, दरियां लगवा दो, जो मर्जी करो, पर हमारा जो यूनिट वॉल्यूम है वो उतना ही है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यही रूम बड़ा कर दिया जाए, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो बच्चे एक रूम में आ रहे थे वही 2 रूम में, बड़े वाले रूम में जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट कम हो जाएंगे, तो हमने रिएक्शन उस तरफ लेके जानी है जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो सच इफेक्ट, गॉट इट? यस मैम, चलो अब वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड यूनिट्स, यू हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर, अगेन यू विल गो थ्रू द एटमॉस्फेरिक यूनिट्स एंड प्रेशर यूनिट्स, टेम्परेचर के यूनिट्स फर्स्ट चैप्टर में आप कर लेते हो, मैं एक बड़ी लॉज के साथ सीधा, आई एम स्टार्टिंग विद द लॉज इटसेल्फ।
ठीक है, राइट डाउन द फर्स्ट लॉ. द फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ एंड दीज लॉज आर मेंट फॉर द गैसेस ओनली. स्टेट्स ऑफ मैटर, एज यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम द जूनियर क्लासेस, थ्री बेसिक स्टेट्स यू आर डूइंग. वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, सॉलिड स्टेट इज इन द क्लास प्लस टू, पूरी सॉलिड स्टेट आएगी. इन क्लास प्लस वन यू विल डू ओनली गैस एंड लिक्विड स्टेट. ठीक है, यू विल डू ओनली गैस एंड लिक्विड स्टेट. इन द क्लास 12th, द फर्स्ट चैप्टर इज द सॉलिड स्टेट इटसेल्फ. तो फर्स्ट स्टेट वी आर डूइंग इज अ गैस स्टेट. And gases are governed by certain laws, जिसे हम कहते हैं gas laws. ठीक है, they are governed by certain laws, and these are known as gas laws. ठीक, अब किसी भी गैस की स्टेट बताने के लिए हम उस गैस का वो किस टेम्परेचर पे है, किस प्रेशर पे है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और कितने नंबर ऑफ मोल्स में. अगर मैं किसी भी वेसल में गैस रख दूं, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेसल है उसमें हाइड्रोजन गैस है, तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगी कि बेटे जी इस जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर इतना है, ये इतने टेम्परेचर पे है, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इतना ऑक्यूपाई कर रही है. गॉट द पॉइंट. तो अगर हमने प्रेशर गैस की कोई भी स्टेट बतानी हो तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी से बताएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास. मास कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ मोल से. ओके, तो इसको कोरिलेट करने के लिए सारा कुछ, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मास, सर्टेन लॉज बने हुए हैं जिसे हम गैस लॉ कहते हैं. तो फर्स्ट लॉ इन इज It is Boyle's law. Boyle's law ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को रख दो कॉन्स्टेंट, एक बीकर है आपने उसका टेम्परेचर रख दिया कॉन्स्टेंट, टी में कोई भी चेंज नहीं आ रही, अगर हीटिंग करोगे या आप कूलिंग करोगे तो गैस की स्टेट में चेंज होगी. अगर हीटिंग करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर कूलिंग करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. हमने कुछ नहीं करना, हमने टेम्परेचर को रख दिया कॉन्स्टेंट. ठीक है, ओके. तो आप मुझे ये बताओ, अब आपके पास दो चीजें रह गई हैं, प्रेशर और वॉल्यूम. अगर यहां पे मैं पिस्टन लगा दूं, अगर मैं बोलूं कि मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, टेल मी. अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यू विल आस्क आफ्टर वर्ड काव्य, टुमारो आई विल क्लियर इट. ओके, टेल मी बेटे, इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर तो वॉल्यूम को क्या होगा, हरी आप. वॉल्यूम कम हो जाएगा मैम, डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप पिस्टन क्या करें, नीचे लेके आए, आप पिस्टन यहां आ गए, तो अब ये वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. अब वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज, तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर मीनिंग कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इजंट इट. या हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वी कैन से और नॉट. Yes, ma'am. अगर यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिए, इस साइन को रिमूव करके यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ले हैं, तो ये इधर ले जाएंगे, प्रेशर भी इधर ले जाएंगे, तो PV इज इक्वल टू K. PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स अगर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या रहा है, डिक्रीज. मान लो प्रेशर पहले 10 था तो वॉल्यूम कितना हो गया,
10, 15. अगर प्रेशर 15 हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 10. मीन्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट. समझ आ रही है? अगर प्रेशर पहले 10 था तो वॉल्यूम क्या था, ज्यादा 15 था. अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आ जाता है बेटे, कॉन्स्टेंट. व्हाट द पॉइंट, यस और नो? यस मैम. ओके. यस मैम. वॉइस कॉल ने क्या समझाया कि इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, अब लेट अस सी द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. और वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर बना लेते हैं. ठीक है, आप यहां एक सर्टेन वॉल्यूम, एक गैस है, एक वेसल में रखी हुई है जिसका वॉल्यूम इतना है. ठीक है, और प्रेशर क्या है, जीरो. अब यहां पे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो, यहां पे इंक्रीज करते जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. मींस अगर प्रेशर ये है, ये पी है, तो वॉल्यूम क्या है, ये है. अगर प्रेशर ये है तो वॉल्यूम क्या है, ये है. मतलब यहां पे कम प्रेशर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो 5 प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10. मैम दोबारा बेटे, एक बीकर है जिसमें आपने गैस रखी हुई है, तो प्रेशर अभी जीरो है, तो वॉल्यूम पूरी है, फुल फ्लैज खुली हुई पड़ी है. अब आपने क्या किया, पिस्टन को मूव करना किया नीचे, प्रेशर को कर दिया इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होएगा, डिक्रीज. तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर यहाँ लेके जा रहे हो, वॉल्यूम यहां से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा, तो भी यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया. Isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम विल गेट डिक्रीज. ओके, अच्छा अगर हम ये कर्व डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे देखें, मान लो ये 200 पे देखी, ये 400 पे देखी, ये 600 पे देखी, अब देखो इस कर्व को ये क्या समझाना चाहते हैं इसमें, ये सारी है आइसोथर्म्स. आइसोथर्म के जब मैंने कंडीशन 200 केल्विन लगा दी, फिर मैंने क्या किया, मैंने 400 केल्विन लगा दी, फिर 600. अगर मैंने रूम टेम्परेचर 200 रख दिया, समझो इस बात को, टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो मुझे कम प्रेशर पे वॉल्यूम, कम प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, इतना. अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बेटे, अब 200 से क्या कर दिया, 400, तो मुझे अब प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी, वॉल्यूम उस टेम्परेचर पे जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है. समझ आ रही है? अगर ये प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई हो रहा है. आप खुद से आने हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर हम प्रेशर जो 200 केल्विन टेम्परेचर पे लगा रहे थे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम होगा. वही प्रेशर अगर हम 600 केल्विन पे लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा. समझ आ रही है? ठीक है,
ठीक है मैम, एक बार दोबारा बता दो। आपने कोई गैस फ्रिज में रखी हुई है, इसको ऐसे समझो, उस गैस की काइनेटिक एनर्जी कम है। अब उस गैस के ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो तो उस गैस वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगी ना, गैस उतनी है। मान लो मैंने 10 ml गैस ली है, गैस उतनी है, अब वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं करेगी, आप मुझे बताओ, क्योंकि ठंडी है गैस। अब वही गैस मैं क्या कर रही हूँ, धूप में रख दी, उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब मैं उतना ही प्रेशर लगा रही हूँ जो मैंने फ्रिज में लगाया था, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई? टेल मी नो नो, मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। अब अगर मैं उतना ही प्रेशर लगाऊंगी जितना मैंने फ्रिज में लगाया है, तब भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा ही रहेगा। अगर प्रेशर पहले इतना लगाया था हमने, ये मान लो प्रेशर 10 लगाया था, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम था। अगर हम प्रेशर 20 लगाएंगे, अगर 400 पे लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा। अगर प्रेशर आप 600 केल्विन में उतना ही लगाते हो, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और ज्यादा होगा। समझ आ रही है? गैस का वॉल्यूम उतना ही है, गैस को आपने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस पे रख दिया और प्रेशर भी उतना ही अप्लाई कर रहे हो। आपने गैस, एक बलून में गैस ली है 5 ml, एक बलून आपने फ्रिज में रखा है और एक बलून आपने सन में रखा है। तो जो फ्रिज में बलून रखा है उस पर आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और वॉल्यूम उसका ज्यादा डिक्रीज होगा। जो आपने एक सन में रखा है उसमें आपने प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, या अगर आप उतना ही प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा ही रहेगा। गॉट द पॉइंट? यस मैम। ओके, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, स्टार्ट हो गया, बेल हुई नहीं है, सो विल कंटिन्यू टुमारो।